कभी महक की तरह गुलों से उड़ते हैं और कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहूंगा इन सभी पार्टिसिपेंट्स को। कभी महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, और ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, हौसलों से उड़ते हैं। मेरा कहना है कि जिंदगी में कुछ भी टूट जाए, छूट जाए, कट जाए, मिट जाए, हार जाए, जिए, फेल हो जाए, लेकिन कभी भी मित्रों दोस्तों अपने हौसले को मत छोड़ने देना, हौसले को मत टूटने देना। यह हौसला, यह उम्मीद, यह होप, यह आशा यही आपको जिंदा रखती है और आपको लाइफ में आगे लेकर के जाती है और उस मंजिल तक पहुंचाती है जिसे हम सभी को प्राप्त करना है। ड्रीम की मैं बात करना चाहूंगा, एक छोटी सी मुझे कहानी याद आती है सपनों के बारे में, मकसद के बारे में कि लाइफ में यदि आपने मकसद नहीं लिया तो आपको रास्ते पर उतरने बहुत सारी आएगी। बहुत पहली कहानी है, एक बार एक कुत्ते को भूख लगी और वो अपनी भूख को मिटाने के लिए शिकार को देखा तो उसे ध्यान आया कि एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश रास्ते से घूम रहा था, वो खरगोश के पीछे भागने लगा। जैसे ही खरगोश को पता लगा कि कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा है खाने के लिए, उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली, दोनों में रेस लग गई, कभी ये आगे पीछे, और करते करते खरगोश को लगा कि आज तो मेरी जान के पीछे पड़ा ये कुत्ता, मुझे कुछ करना चाहिए। उसने अपना दिमाग लगाया, हार चुका था, थक चुका था, पसीनों से तर बतर हो चुका था, और अब इन दोनों में से एक को हारना था, एक को जीतना था। ये प्रकृति का नियम है दोस्तों। दोस्त इस लड़ाई में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। कई बार आपकी हार भी हो सकती है, कई बार आपकी जीत भी हो सकती है। जब आपकी हार होती है तो आपको जीत के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। उस खरगोश ने देखा कि अब इस कुत्ते से बचना बहुत मुश्किल है, उसने दिमाग लगाया, बुद्धि का उपयोग किया और पास में जाके एक बिल में वो घुस गया। जैसे बिल में गया वो कुत्ता बाहर आके बैठ गया, बहुत देर तक परेशान रहा, हाँफते रहा, परेशान हो गया। उसने बाद में बोला कि भाई पता आखिर तू बच कैसे गया, मैंने तो पूरी ताकत लगा दी। तो उस खरगोश ने उसे बहुत प्यारी बात कही जो आप, मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने जहन में रख लें। तो वजह से तो उस खरगोश ने कहा उस कुत्ते को कि मेरे प्यारे दोस्त, तेरा मकसद था आज का मुझे पकड़ने का मकसद था अपने लंच की व्यवस्था करना, अपने खाने की व्यवस्था करना, और मेरा मकसद था अपने लाइफ को बचाना, अपने जीवन को बचाना। मेरा मकसद तुझसे बड़ा था इसीलिए मैं तुझसे बच सका, तेरा मकसद तुझसे छोटा था इसीलिए तू हार गया और मैं जीत गया। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका मकसद कितना बड़ा है, ये आप अपने जहन में रखें और पूछिए अपने आप को क्या बना है गोल अपने अपने लाइफ में, कितनी ऊंचाइयां आपको प्राप्त करनी है, ये आपके ऊपर है। प्रकृति कहती है, प्रकृति का सिंपल सा रूल है, एक लॉ है, एक नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको देखना है क्या फिटेस्ट है। यहाँ पे फिट होने से भी काम नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको फिट। आपने सर्कस में देखा होगा, सर्कस के कलाबाज, एक कलाबाज ऊपर से एक साइड से रस्सी से कूदता है और ऊपर से दूसरा कलाकार वहां से रस्सी से आते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। पहला कलाबाज उस दूसरे कलाबाज के ऊपर ट्रस्ट करता है, फेथ करता है कि यदि मैं अपने दोनों हाथों को छोड़ दूंगा तो मेरे दोनों हाथों को पकड़ने के लिए मेरा साथी, मेरा दोस्त वहां तैयार बैठा है। उसे 100% ट्रस्ट है, विश्वास है। यदि उसके मन में 1% भी डर आ गया तो शायद वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। ऐसा ट्रस्ट, ऐसा विश्वास, ऐसी मोहब्बत आपको अपने दिलों में पैदा करनी पड़ेगी अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने हौसले के प्रति। हौसले की बात करूँ, आपने हाल में देखा होगा कुछ दिनों पहले ओलंपिक्स के गेम्स हुए, उस ओलंपिक्स के गेम में मैं आपको बता दूँ जो हमारे विनर्स हैं, जिनको मेडल्स मिले हैं, पी सिंधु जिनको सिल्वर मेडल मिला है, 2015 की बात है, पी सिंधु के पैर में चोट लग गई थी, उनको इंजरी हो गई थी और वो निराश हो गई थी, हताश हो गई थी कि अब मैं अपना ओलंपिक कैसे जीत पाऊंगी, मेडल कैसे लेके आऊंगी। उनके कोच को सलाम करते हैं, उनके कोच ने उनको बैडमिंटन के उस कोर्ट में एक चेयर वहां पे पोजीशन कर दिया और चेयर रख के बोला कि तुम्हारे पैर खराब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे हाथ तो ठीक है, तुम यहाँ बैठ करके अपने हाथों से प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो। और वो पी सिंधु आज सिल्वर मेडल लेकर
पूरे इंडिया का उसने नाम रोशन किया। जोरदार ताली चाहूंगे ऐसे जज्बे के लिए, ऐसे हौसले के लिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि क्या वो जोश है। आज हम जब भी किसी को देखते हैं सफलता की ऊंचाइयों पे चढ़ते हुए, मुकाम पे आते हुए, यहाँ कई लोगों को अवार्ड मिले, कई लोगों ने देखा वो अवार्ड, वो सफलता उनको एक दिन में नहीं मिली। होता क्या, जब भी हम किसी को देखते हैं कि वो सफल हो चुके हैं, हमें उनकी सफलता दिखती है, उनके अवार्ड दिखते हैं, हमें उनका मेहनत दिखाई नहीं देता। आपको पता होना चाहिए साक्षी मलिक जो इंडिया के लिए ब्रांज मेडल लेकर आई है रेसलिंग में, आप जानते हैं कितने देर का गेम खेला था उन्होंने जो उनकी बाजी पलट गई थी? 10 सेकंड में, 10 सेकंड के गेम के अंदर उनकी बाजी पलट गई थी और उनको मेडल मिली। लेकिन उस 10 सेकंड के गेम के लिए उन्होंने पूरे 12 साल तक मेहनत किया था। 12 साल, 12 years, इतनी मेहनत करने के बाद जाकर के उनको जीत मिली थी। तो आपको देखना होगा कि हमें उतनी मेहनत कैसे करनी है। आपने एक डक को देखा होगा, बतख को देखा होगा। एक बतख पानी में आपको दिखाई देता है, ऊपर शांत रहता है, लेकिन आपको नहीं पता कि उस बतख के दोनों पैर नीचे से चलते रहते हैं। यानी आप जब भी आप शांत हो, आराम कर रहे हो, लेकिन आपके काम का कंप्लीशन आपके अंदर होते रहना चाहिए। आपके जो टारगेट है, आपका जो पर्पस है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो मकसद है, तभी आप अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको, पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला है थंगावेलु मरियप्पन नाम के पर्सन। जानते हैं आप, नाम सुना है? नहीं। हाई जंप में उनको गोल्ड मेडल मिला है। और इस पर्सन के बारे में हम कम जानते हैं, लेकिन उस पर्सन की 5 साल की उम्र में उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, उनके पैर में चोट लग गई थी, पैर इंजर्ड हो गया था। और कोई पर्सन होगा, इसे हम कहते हैं विकलांग कहते हैं, विकलांग कोई पर्सन अपने हाथ पैर के टूटने से नहीं होता, विकलांग कोई पर्सन अपने माइंड के थॉट के टूटने से होता है। यदि वो चाहता तो उस समय जाकर के सरकार के पास दुहाई लगाता कि मुझे ये दिया जाए, वो दिया जाए, ऐसा दिया जाए, मैं विकलांग हूँ। लेकिन नहीं, उसने एक सपना देखा, उसने एक सपना देखा कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, और उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की और आज इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया है। मरियप्पन थंगावेलु उसका नाम। जोरदार ताली चाहूंगे ऐसे जज्बे के लिए। अर्जुन के एक बार दर्शन हो जाए। जब महाभारत की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, अर्जुन को देखने के लिए ना सिर्फ पांडवों की सेना बल्कि कौरवों की सेना भी बहुत ही व्याकुल देखने के लिए वेट कर रही थी कि आज अर्जुन का युद्ध देखेंगे। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य देखना चाहते थे कि आज मेरा शिष्य मुझसे कैसे लड़ाई करेगा, मेरा ही सिखाया शिष्य आज मेरे विरुद्ध कैसे लड़ाई करता है। और उनके अलावा पूरे देवी देवता भी तैयार बैठे थे अर्जुन के युद्ध को देखने के लिए कि अर्जुन कैसे युद्ध करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अर्जुन जैसे वीर के मन में भी थोड़ा सा संशय आ गया, दुख आ गया, परेशानी आ गई, मोह आ गया, ममता आ गया, तो उन्होंने पता है क्या किया, युद्ध के मैदान में अपने उस गांडियों को उठा करके नीचे रख दिया। वो गांडियों जिसकी एक टनकार से पूरे ब्रह्मांड में आवाज फैल जाती थी कि अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। और से अर्जुन वीर, अर्जुन का मन दुखी हो गया। अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मुझे बहुत मोह हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है कि मेरे जो अपोनेंट है वहाँ मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, रिलेटिव हैं, मैं उनके ऊपर कैसे तीर चलाऊँ, कैसे बाण चलाऊँ। और तब उनको भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान, एक्शन का ज्ञान, जिसको हम पूरे मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं। उनको बताया यहाँ पे तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म, तुम्हें कर्म करना होगा। कर्म की पूरी शिक्षा दी गई और बताया गया क्यों करोगे, तुम्हारा रोल क्या है इसमें, तुम जो परफॉर्म कर रहे हो उस वही इंसान तुम्हें पूरा न्याय करना पड़ेगा। और तब जाकर के उनको समझाने के लिए 18 अध्याय की पूरी वो चैप्टर्स है, तब जाकर के अर्जुन ने युद्ध किया और जाकर के वीर अर्जुन ने युद्ध में विजेता बने, पांडव लोग जीते और उस कर्म के सिद्धांत को मान्य फॉलो करते हैं। तो यदि आप कर्म नहीं करते हैं, मैं ऐसे कर्म की बात करना चाहता हूँ कि आप आज यहाँ बैठे हैं, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके पास्ट के कर्म की वजह से, पास्ट का कर्म इसी लाइफ की बात कर रहा हूँ, आप इस कंपनी में अच्छे पोजीशन में हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, तो आपने जो भी पढ़ाई किया,
जो भी स्किल को डेवलप किया, जो भी अपने एटीट्यूड को बनाया, उसकी वजह से आप यहाँ बैठे हैं। सिंपल सा मतलब है कि आपके कर्म की वजह से रिजल्ट मिला है, उस रिजल्ट को आप आज देख पा रहे हैं। और यदि आप आज जो कर्म करेंगे उसकी वजह से आपका फ्यूचर बदलेगा। सिंपल सा रूल है कि हम कभी किसी को ब्लेम कर देते हैं अपनी सफलता के लिए, अपनी विफलता के लिए, कि वो दुखी है, वो परेशान है, उसकी वजह से नहीं कर पा, मेरे पेरेंट्स गरीब थे, माहौल सही नहीं था, बॉस अच्छे नहीं थे, स्थिति अच्छी नहीं थी, सिटी बहुत बेकार थी, सुविधाएं नहीं थी। किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। एक विजेता, एक विनर किसी को ब्लेम नहीं करता है, वो जिम्मेदारी अपने सर पे लेता है, अपना कर्म करता है और कर्म करके सफलता को प्राप्त करके उस फ्रूट को लेता है। इसीलिए कहते हैं कि यदि आपको फ्रूट लेना है तो आपको रूट पे काम करना पड़ेगा, यदि आपको रिजल्ट लेना है तो आपको एक्शन पे काम करना पड़ेगा, यदि आपको फल की इच्छा है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। उसी कर्म की हम बात करना चाह रहे हैं। आप जो भी कुछ करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। परफेक्शन की कोई लिमिटेशन नहीं है। परफेक्शन की आप हदें पार कर सकते हैं। यदि आपने मान लिया कि मैं परफेक्ट हूं, तो अभी भी आपको काम करना है। काम करने की, परफेक्ट होने की कोई लिमिटेशन नहीं है। और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। और इस आगे बढ़ने को ही लाइफ कहते हैं। इतने शॉर्ट में पूछूं सफलता क्या है, सक्सेस क्या है, शॉर्ट में डिफाइन करने का कोई डिफाइन करना चाहेगा? सक्सेस का मैं बिल्कुल शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ही बताऊं तो सिंपल है, सक्सेस इज नथिंग बट जस्ट सिंगल वर्ड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी ने बहुत सही कहा सक्सेस के बारे में। सक्सेस की जो डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन है तो बैठे हैं। आपको मैं सच बता दूं कि इन सभी चेयर पे, सभी कुर्सियों पे मुझे एक नहीं, दो दो लोग दिखाई दे रहे हैं। एक वो लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं और एक वो लोग हैं जो वो बन सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने अपने ड्रीम बनाए हैं कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप क्या बनना चाहते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी बनना चाहते हो वो बन सकते हो। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, स्टैंड कर रहा हूँ। कभी लाइफ में यदि आपको लगता है कि आप किसी वजह से टूट रहे हो, फूट रहे हो, गिर रहे हो, नीचे जा रहे हो, मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ और मैं आपको लेकर चलता हूँ हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, क्योंकि मुझे भी कभी किसी ने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मुझे ऊपर खींचा था। यदि आप किसी की बुराई करते हैं, नेगेटिव किसी के प्रति हो रहे हैं, तो आप गलत काम कर रहे हैं। किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं। आप यदि अच्छा बनना चाह रहे हैं, सफल होना चाह रहे हैं, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप सफल होना चाहते हैं, हो गए हैं और दूसरों की उंगलियों को पकड़ पकड़ के सफलता की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप वहां रहना है, आपको अपनी पोजिशन पे मेंटेन करना है, तो आपको फिटेस्ट बनना पड़ेगा। आपको नहीं पता कौन बंदा कितनी तेजी से पीछे से आ रहा है और आपको धक्के देते निकल जाए, राइट? ये कहानी है, आपने डिस्कवरी में देखा होगा। एक शेर है, शेर पीछा करता है हिरण का और दोनों की रेस लग जाती है। हिरण भागता है, शेर भी पीछे भागता है। हम लोग एक्साइटेड होकर देखते हैं क्या होने वाला है। आज इन दोनों में से भी आगे कोई एक जीतेगा और एक हारेगा, या तो शेर जीतेगा या हिरण जीत के भाग जाएगा। आप यहाँ पे प्रकृति कहती है, नेचर कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भगवान किसको करेगा? अरे भगवान दोनों के लिए है। आप ये भूल रहे हैं जब आप किसी युद्ध में जाते हैं, लड़ाई में जाते हैं, ओपोनेंट से फाइट करते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि ओपोनेंट भी प्रे करके आया है, आप भी प्रे करके आए हैं। देखना ये है कि दोनों में फिटेस्ट कौन है। आज या तो शेर को खाना मिलेगा या हिरण बच के भाग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। प्रकृति कहती है कि कौन है इसके अंदर फिटेस्ट? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं करना है, ये नेचर का रूल है, लॉ। और दोनों में से एक बचता है, और कौन बचता है? जो फिटेस्ट होता है। यदि हिरण फिटेस्ट हो तो हिरण भाग जाता है, शेर यदि फिटेस्ट हो तो शेर हिरण को पकड़ लेता है। आपको ये देखना है, सक्सेस की भूख होनी चाहिए, सक्सेस की प्यास होनी चाहिए। ये भूख और प्यास आपके अंदर पेट से नाभि से आनी चाहिए, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हो। एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को बोला कि मुझे सक्सेस चाहिए। बार बार पूछता मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। टीचर ने बोला ठीक है, एक बाल्टी पानी मंगाया। एक बाल्टी पानी मंगाकर अपने उस स्टूडेंट का उसने सर को लिया और अचानक पानी की बाल्टी में डुबा दिया और गले को पकड़ लिया जोर से। अब उसका उससे बिल्कुल परेशान हो गया, चिल्लाने लगा, तड़फड़ाने लगा निकलने के लिए, लेकिन उस गुरु ने बिल्कुल गर्दन को छोड़ा नहीं उसके। हालत ये होगी लास्ट में उस शिष्य ने बाल्टी को पकड़ा, उठा के फेंक दिया, पूरे रूम के अंदर पानी पानी फैल गया, गिर गया और वो परेशान हाँफने लगा, बोला गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो,
मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ, आप तो मेरी जान ले रहे हो। तब उस टीचर ने बोला, बेटा जिस दिन तुझे, तब बता कि जब तू पानी के अंदर था तो तू क्या चाह रहा था, पानी के अंदर था तो तुझे क्या लेने का दिल कर रहा था। उसने बोला, पानी के अंदर था तो मुझे सिर्फ चंद सांसें चाहिए थी, ब्रीदिंग चाहिए थी कि मैं ब्रीद कर सकूं, और मैं ब्रीद करने के लिए मांग रहा था। तो उसने बोला कि यदि तुझे सक्सेस चाहिए तो सक्सेस भी तुझे इस तरह से मांगनी पड़ेगी जैसे तू सांस को मांगता है, तब जाकर तू सफल होता होगा। कंटिन्यू होते रहे। मुझे किसी ने पूछा, मैं एक बार रिमोट एरिया में गया था, किसी ने पूछा कि आप क्या काम करते हो। मैंने बोला मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। उन्होंने बोला मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे पता नहीं आप समझाएंगे क्या होता है। मैंने दो लाइनें उनको बोल के बताई। मैंने कहा मैं सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, और नौसिखिए परिंदों को मैं बाग बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसला कश्तियों का, समंदर तो परखता है हौसला कश्तियों का,